What's up? So finally वो गाना कवर कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बादशाह एंड डिवाइन साथ विद डैम, और उनके साथ कौन है? निकिता गांधी। देखो ओ सजना की मुझे मेलेडी पता है लेकिन उसके अंदर का मैंने नहीं सुने गाने, ब्रो मैं धीमे धीमे करके ही सुन रहा हूँ, बस सुन रहा हूँ किल से, अब मैं क्या करूँ। सो ओ सजना ओ सज, मेरे खाली इतना ही पता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। और हाँ, मैंने जब एल्बम लॉन्च थी तब मैंने गाना सुना था, उसमें एक लाइन जो बादशाह भाई ने भी पॉइंट आउट करी थी कि जरा सोचो हमारी शादी पे कैसे कैसे लोग आएंगे, ये डिवाइन की लाइन, ये लाइन तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया लाइन है। इसके अलावा मुझे गाने के बारे में कुछ नहीं पता, तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी ओ सजना में गया तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हेवी गो। एंड बाय द वे इस गाने के मैंने लिरिक्स खोल लिए क्योंकि पिछले वीडियो में जो बकर हुई थी वो बकर अब नहीं होनी चाहिए। लिरिक्स है मेरे पास। मीठी लगे मुझे तेरी पतिया, याद में जगूं तेरी सारी रतिया, ओ सजना ओ सजना ओ सजना। तो निकिता गांधी की जो आवाज है ना भाई, ओ माय गॉड, इतनी ओ माय गॉड, मतलब अगर मेरी बंदी की ऐसी आवाज हो तो आ हा हा हा, मैं तो दिन रात गाने गवाता रोज से। जना दीद को तेरी तरसे अगिया, दिल की लगी बनी दिल लगिया, ओ सजना। हेडफोन्स नहीं लगाए तो प्लीज लगाओ, बेस लाइन सुनो गाने की, बढ़िया सी वाइब बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिक गिटार के ऊपर थोड़े से प्लक्स और उसके ऊपर बेस। ओ सजना ओ सजना, मीठी लगे मुझे तेरी पतियां, याद में जगूं तेरी सारी रतियां, ओ सजना ओ सजना ओ सजना। थोड़ा थोड़ा सितारा वाइब वाली वाइब आ रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सितारा की वाइब आ रही है। सजना दुख तेरी तरसे अगिया, दिल की लगी बनी दिल लगिया, ओ सजना ओ सजना ओ सजना सजना। Put you on a flight to Dubai, Emirates first class, it's your boy. क्या ही चाहिए बताइए मैम, प्लीज Tiffany Bottega Hermes bag thief। तो इनका बादशाह भाई का जो है ना अपना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे ब्रांड बताते हैं जो मैंने सुने नहीं है। नहीं, टिफनी भी पता है, टिफनी आई थिंक जूते टिफनीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, देखो ये सुना है मैंने। ये बादशाह भाई अगर वीडियो देखेंगे कहेंगे गलीच आदमी, कुछ नहीं पता इसको, बोटेगा ओमेगा वैन क्लीफ, नहीं भाई हमें कुछ कुछ ये हमारे लिए वैसे ही होते कि सुना तो है, क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी अगला क्या है। टच डाउन सी द फैशन इवेंट। टच किया टच किया बट इस टच क्या हो, हमारे खाली डिक्चिया हो, पता है भाई टच क्या हो गया है। Tiffany Bottega Hermes bag thief, touch down see the fashion revenue, main sorry G wagon brand new, usse pata mere bank account ki figure lage jaise kisi music company ka revenue। Oh my god, isko kehte ho ye ganda tha bhai, ये तो बहुत गंदा था भाई, मतलब ओ भाई मेरा अकाउंट लगे जैसे किसी म्यूजिक कंपनी का रेवेन्यू, भाई साहब इसको कहते हैं फ्लेक्स। मैं अकेला, कई सारी छोटी छोटी म्यूजिक कंपनीज के जो रेवेन्यूज होते हैं वो अकेला मैं, ओ भाई भाई यार ये भाषा के ऊपर ये सब फ्लेक्स जमते हैं भाई, क्योंकि व्हेन यू सी द नंबर्स ना, तो नंबर्स इस लेवल के आर्टिस्ट ये बातें कर सकते हैं, और ये बातें करते तो लगता है हाँ भाई बात तो सही है रहा आदमी। बैंक अकाउंट की फिगर लगे जैसे किसी म्यूजिक कंपनी का रेवेन्यू, हम यहाँ पर हसीन नहीं करते, बेबी अफवाहों पे यकीन नहीं करते, यू सी यू फील लाइक अ होमी तभी गाली निकल जाती, उस गाली को हम मीन नहीं करते। ये पूरे हिंदुस्तान के 99.99% लॉन्डो के मन की बात यहाँ पे कह दी गई है कि भाई हम तुम्हारे को अपना होमी मान रहे हैं तभी तो गाली निकल रही है मुंह से, है ना, वरना गाली क्यों नहीं निकलती है ना। अगर हम तुम्हारे साथ फॉर्मल होते या फिर अगर तुम्हें वो वाली लड़की मानते कि भाई आटा डिस्टेंस है हमारे तो गाली नहीं निकल, लेकिन तुम मेरे होमी हो ब्रो तो इसलिए गाली निकल रही, उस गाली का को कोई मतलब। प्लीज कन्या अगर कोई फीमेल ये देख, अरे भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा भैया, फेमिनिस्ट ग्रुप मेरे पीछे पड़ जाएंगे सो, लेकिन ये एक लड़कों की फीलिंग होती, तू होमी है यार, है ना, तेरे को नहीं दे रहे हैं वो, मुंह से गाली निकल ली, समझ इस चीज को ना। दिल देख तू जबान पे ना जा, मेरा लाइफस्टाइल देख मेरे काम पे ना जा, बैड बॉय शाहरानी बना के रखेगा तुझे बेबी मेरे नाम पे ना जा, या बैड बॉय हूँ लेकिन तुझे रानी बना के रखूंगा मेरे नाम पे ना जा ब्रो। तेरी पतियां याद में जगूं तेरी सारी रतियां, ओ सजना ओ सजना। निकिता गांधी की आवाज यार, किसको ब्लॉन्डो, निकिता गांधी सुप्रीमेसी टाइप करो कमेंट में अगर तुम्हें निकिता गांधी की आवाज अच्छी लगती है तो। ओ सजना सजना दीद को तेरी तरसे अगिया, दिल की लगी बनी दिल लगिया, ओ सजना ओ सजना ओ सजना सजना। नखरे नवाबी और सब यहाँ वाकिफ है, आंखें गुलाबी और भाई तेरा आतिफ है, आंखें गुलाबी और भाई तेरा आतिफ, आतिफ असलम है, आंखें गुलाबी, ओके नखरे नवाबी
गुलाबी आंखे जो तेरी, ओ ओके गुलाबी आंखे, ओ अब समझ आया, गुलाबी आंखे जो तेरी देखी आते मतलब है। भाभी और सब यहाँ वाकिफ है, आंखे गुलाबी और भाई तेरा हाथ पे कर देंगे पानी और एक्स उसका माचिस है। कर देंगे पानी तुझे, कर देंगे पानी और उसका एक्स माचिस है, वो जल रहा है। हंसना है मुझे अगर तू करे साजिश है, व्हाट्स अप वो बोलते डिवाइन, तुझे स्लो पीना पसंद है टर्न वाटर टू वाइन तेरे। Damn, तो जो स्लो पीना पसंद आई टर्न वाटर टू वाइन, डिवाइन टर्न वाटर टू वाइन, इसका मतलब समझिए, समझ आए तो कमेंट करिए एंड हो गया। पीछे जो खड़े वो से ब्लॉक करे शाइन, दुनिया शर्माती व्हेन यू स्टॉप एंड यू स्माइल, अब बाकी मुझे पे छोड़ तू। एक सेकंड यार, अब डिवाइन की बातें चल रही है ना, तो अगर मैं खाली मुंडी नहीं ला सकता, देखो है ना, तेरे पीछे जो खड़े वो से ब्लॉक करे शाइन, तेरे पीछे जो करे वो ब्लॉक करे शाइन, ब्लॉक कैसे करेंगे शाइन, वो तो पीछे खड़े हैं तेरे पीछे जो, अबे भाई समझो समझो, आ जाओ कमेंट्स में आ जाओ लौंडो, तू बस हंसते रह, शॉर्टीज लाइक अ मर्डर स्टॉप एंड यू स्माइल, अब पीछे जो खड़े वो से ब्लॉक करे शाइन, दुनिया शर्माती व्हेन यू स्टॉप एंड यू स्माइल, अब बाकी मुझ पे छोड़ तू बस हंसते रह, शॉर्टीज लाइक अ मेलोडी हां तू बच के रह, ये पर्सनल है छोड़े नहीं लस्टर है, मराठी है मुलगी और बोलती वो स्पष्टर है, पहले था स्पष्टर क्या होता है प्लीज बता दीजिएगा, लेके बाद तुझे बाली दिखाएंगे, सोच कैसे कैसे लोग मेरे शादी पे आएंगे। ये देखो 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 देखो, ये लाइन को लॉन्च पार्टी में बादशाह भाई ने इंपैक्ट दिलवाया था कि भाई मुझे डिवाइन ने अपना वर्ड भेजा, मैंने लाइन सुनाया, वाज लाइक व्हाट द फक, और सही है भाई लाइन वैसी है। डिवाइन के एक बार सोचो कैसे कैसे कनेक्ट होंगे, हैरा कि फ्रॉम गली टू बिल्कुल ऊपर टू डार्क साइड टू साउथ साइड टू वेस्ट साइड टू नॉर्थ साइड, हैरा हर टाइप के लोगों से, तो सोच तेरी मेरी शादी पे कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसा मेला लगने वाला है, माँ कसम बहुत तगड़ी लाइन है, और इस लाइन से खाली इस लेवल के लोग रिलेट कर सकते हैं। देखो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके आर्टिस्ट के दिमाग में घुस के बात समझ सकता हूँ कि सही बात है, जब उस आर्टिस्ट की शादी होगी, इस लेवल के किसी आर्टिस्ट की शादी होगी, तो उसकी शादी में कैसे कैसे लोग आने वाले हैं। बाकी फसाएंगे बर्बादी बताएंगे, जो करूँ तेरा सिर्फ तुझे हंसाएंगे। ये गाना नहीं सुना है भाई तो पता नहीं तुम कौन सा म्यूजिक सुन रहे हो, आई नो तुम्हारे लिए एंशिएंट म्यूजिक है, लेकिन दिल क्या करे, ये किशोर कुमार की आवाज है ना, अरे यार ये तो गाना है भाई, जूली पिक्चर का गाना, बहुत पुरानी पिक्चर है, लेकिन इस गाने के बहुत वर्जन इधर उधर बने, और उस गाने को इसमें डालना, डैम किसका आइडिया था ये भाई, लाइक एकदम से बंदा जो अभी तक हंस रहा था, बढ़िया था, इंजॉय कर रहा था गाना, उस गाने को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ है ना, और जनता सुनने वाले को मजा ही आ जाएगी, डैम ये वाला पार्ट आ गया, बहुत बढ़िया आइडिया था जिसने भी सोचा कि ये पार्ट डालते गाने में। ये अब किसी से किसी को प्यार हो जाए, ये जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, मीठी लगे मुझे तेरी पतियां, सिर्फ चार लाइनें, लेकिन वो चार लाइनों से जो फ्लेवर ऐड हो गया, ठोक लग में जगू तेरी सारी रतियां, ओ सजना ओ सजना ओ सजना ओ सजना, दीद को तेरी तरह मजे आ गए ब्रो, ये है सही गाना यार, लगी बनी दिल लगिया, ओ सजना सजना ओ सजना सजना, ये 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 डिवाइन पे आएगा इस जब है बादशाह, क्योंकि डिवाइन आ गया था इस समय, इस जब है बादशाह, ये अब इतना बादशाह को सुन लिया है ना कि अब कानों को समझ आ जाता है कि भाई कहां पे आने वाला है ये वाला इनका सिग्नेचर है ना, टैगलाइन ये प्यारी सी बीट सैंटाना के, मारिया मारी नहीं ऐसे नहीं थी, जो भी मेलोडी थी मारिया मारिया जो भी थी मेलोडी रिहाना के साथ, वैसी टाइप की बीट भाई थोड़ी सी लग रही है, लेकिन यस मजे आ गए भाई है ना, सही में यार ये गाना तो मस्त है यार है ना, लाइक मैंने कहा था ना कि जब लास्ट मैंने जो कृष्णा एंड बादशाह वाला जो क्लैप था उसने मेरे ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं डाला था, लेकिन ये जो है जब मैं बादशाह एंड डिवाइन को एक गाने में इमेजिन करता हूँ तो जितना इंपैक्ट मैं इमेजिन करता हूँ वो इंपैक्ट मेरे ऊपर भरपूर पड़ा, मेरे को मजा आया, ये गाने की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा लगी मेरे को, ये सितारा टाइप की वाइब है, एवर ग्रीन वाइब, जब सितारा मेरे हिसाब से ऐसा गाना जो कभी बूढ़ा नहीं होने वाला, कि पुराना गाना ना बजाओ नहीं होने वाला, ये भी आई थिंक वैसे ही गाना है कि कभी पुराना बूढ़ा नहीं होने वाला, ये बजाओ बजाओ अच्छा लग रहा है, बढ़िया साउंड कर रहा है, सही गाना है वैसी वाली वाइब। एक चीज और बहुत अच्छी थी जो मैंने नोटिस करा ना कि दोनों आर्टिस्टों ने गाने की वाइब बिल्कुल
बिल्कुल नहीं ब्रेक करी. लाइक दोनों आर्टिस्ट अपने अपनी बंदी से फीमेल से पार्टनर से अपने दिल की बात कर रहे हैं, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसको बता रहे हैं अपने दिल की बातें कन्वे कर रहे हैं. मुझे बहुत सही लगा, कोई वाइब भी नहीं टूटी. तो आप ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को बड़े अच्छे भेज सकते हैं, आई थिंक शी इज गोना एंजॉय इट, है ना. और बादशाह भाई तो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड बोलते हैं, आप देसी आदमी नहीं रहे. सॉरी अली, इनको कितने छोले भटूरे राजमा चावल पसंद हो, है मिथपैड लेके आया था, लेकिन अब ये देसी आदमी नहीं है. ये पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स की बातें करते हैं, मैंने तो सुना भी नहीं है. ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सी किताबें हैं जिनमें ये सब बातें हो रही हैं, मैंने क्यों नहीं पढ़ी हो. जो भी था, मजाक कर रहा हूँ, है ना. बढ़िया गाना था, सेक्सी गाना था. ये गाना मेरी प्ले लिस्ट में जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है. ये गाना लाइक मेरा मूड फ्रेश करने वाला गाना है, ठीक है. ये बहुत रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा है इस गाने की. तुम लोग गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा कमेंट से बताओ. क्या तुम्हारे हिसाब से कुछ कम था ना तुम्हारे, कुछ तो कम निकाल ही लेगी जनता. तो जो भी कम था कमेंट से बताओ. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी का नाम है @ द रेट ऑफ एक नो. बाय, पीस.